जब भी आप अपने घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो दाल मखनी का नाम सबसे ऊपर आपकी लिस्ट में रहता है। ये दाल मखनी आप अपने घर में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे तैयार करें और वो भी एकदम क्लासिक स्टाइल में, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने काली साबुत उड़द ली है और आधा कटोरी राजमा लिया है। इसको मैंने 8 घंटे रात भर भिगो दिया है और आपको अच्छे से वॉश करके रब करके इसका पानी एकदम निकाल देना है और फिर भिगोना है। और एक बार फिर से आप इस पानी को 8 घंटे बाद हल्का सा रब कर लें और फिर इसे भी वॉश कर लें। ये पानी हम लोग हटा देंगे और दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। एक प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है यहाँ पे और ये दाल अब हम लोग इसमें डाल देंगे और राजमा भी इसमें डाल देंगे। तो जब आप इसको रात भर भिगो लेंगे तो इसका कलर जो है वो एकदम कुछ हल्का हरा हो जाएगा, काही कलर हो जाएगा। तो अब राजमा ऐड कर दिया हम लोगों ने और इसमें आप खुशबू के लिए कुछ मसाले हम लोग इस समय ऐड करेंगे, जिसमें है दालचीनी 1 स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 3 तेज़पत्ता। ये हमें उबालते समय ही प्रेशर कुकर में डाल देना है और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और पानी हमें इतना लेना है कि आपका राजमा और जो दाल है सिर्फ इसमें डूब जाए। तो नमक ऐड करते हैं हम लोग। अब प्रेशर कुकर को गैस पे रख देंगे। जब तक हम लोगों का ये दाल बन रहा है तब तक हम लोग कुछ मसाले ले लेते हैं। यहाँ पे लहसुन, अदरक और एक प्याज लिया है मैंने। इसे हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो 8 से 10 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 प्याज मैंने ले लिया। थोड़ा सा पानी जार में डाल के इसे पेस्ट बना लेंगे। फिर 3 टमाटर हमने लिया है मीडियम साइज़ का और इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे हम लोग। दाल हम लोगों की पक रही है और कम से कम आपको 5 सीटी एकदम लो फ्लेम पर लगाना है। इसको आपको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है दाल का, तो स्टार्च फिर जो है वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो स्टार्च बहुत ज़रूरी है दाल मखनी अच्छा बनाने के लिए। तो इस टमाटर को भी हम लोग अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने अलग अलग इस तरह से तैयार कर लिया है। तो चलिए दाल अब हो चुका है हमारा। हम लोग इस तरह से प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं कि दाल का क्या हाल है। ये देखिए दाल और राजमा अच्छे से पक चुका है। यहाँ मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दाल आसानी से एकदम टूट जा रही है। तो ये दाल हमारी अच्छे से हो गई है। अब हम लोग एक इसे बोल में निकालेंगे और जो बड़ी इलायची दालचीनी का टुकड़ा है उससे निकाल लेंगे। तेज़पत्ता भी दाल से बाहर हम लोग निकाल लेंगे। अब चम्मच से हम लोग दाल को हल्का सा 3 से 4 बार क्रश कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो दाल का स्टार्च है वो बहुत अच्छे से दाल बनते समय आ जाएगा। और अगर आपके पास टाइम अधिक है तो आप ये ना करके आप इसे धीमे आंच पे भी रख सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। उससे दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है। फिर एक कढ़ाई लेंगे, 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और जो प्याज का पेस्ट हम लोग ने बनाया था वो इसमें हम लोग डाल देंगे। अब इस टाइम पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्याज के पेस्ट में कश्मीरी मिर्च, ये लगभग 2 चम्मच आप ले लीजिए, और कसूरी मेथी आप प्याज के पेस्ट में इस टाइम पे इसमें डाल दें और इसको हल्का सा हम लोग भून लेंगे। फिर जब ये आप अच्छे से इसको भून ले रहे हैं तो इसमें टमाटर का जो हम लोग ने प्यूरी बनाया है, पेस्ट बनाया है, इसमें हम लोग डाल लेंगे। तो प्याज का पेस्ट और यहाँ पे हमने टमाटर की प्यूरी सब ऐड कर दिए। जब ये भुन जाए, आपको लगे कि ये हल्का सा भुन गया है, तो इसमें आप 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और कुछ अदरक के लंबे लंबे इस तरह से टुकड़े और हरी मिर्च के टुकड़े हमने इसमें डाल दिए हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है दाल मखनी में। फिर इसको हम लोग फिर से भुनेंगे थोड़ा, जब तक में इसमें ऑयल रिलीज़ ना हो जाए।
तो अब हम लोग इसमें जो दाल हम लोगों ने उबाल के रखी है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे आपको एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाना है। ये आपका जो दाल है लगभग आपका 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये दाल थोड़ी धीमे आंच पे आपको पकानी रहती है, इसी से आपका अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम लोग नमक ऐड कर देंगे इसमें और इसे ढककर धीमे आंच पे रख देंगे। तो लगभग 20 मिनट हो गया है और ये दाल बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम लोग इसमें लगभग 50 ग्राम बटर डाल देंगे और कसूरी मेथी, क्योंकि दाल मखनी में मक्खन बहुत ज़रूरी है, तो आप इसमें बटर ज़रूर ऐड करें। फिर इसके बाद जब ये बटर हल्का सा मेल्ट हो जाए तो आप इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम करीब 2 से 3 चम्मच दाल में ऐसे ऐड कर दें। इससे जो दाल का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है और आपकी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल ये बनकर रेडी हो जाती है। तो ये देखिए एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो यहाँ पे हमने एक बोल में सर्व किया है। आप इसे नान के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी तरह आप इसे खा सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन वैसे नान के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ऊपर से इसकी गार्निशिंग आप क्रीम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग ने अपने घर में एकदम क्लासिक स्टाइल में दाल मखनी बनाकर रेडी किया है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ जो इसी तरह से कुछ यम्मी, टेस्टी और हेल्दी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।